हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। कल की क्लास में हमने सॉल्ट एनालिसिस का वन शॉट देखा है, जिसमें मैंने सभी एसिडिक रेडिकल के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ शॉर्ट ट्रिक्स कि आपको याद हो जाए बेसिक रेडिकल्स। और स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये मैं जो भी समझाऊंगी ये आपके वाइवा और परफॉर्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं सॉल्ट एनालिसिस की। सॉल्ट एनालिसिस में हमने एसिडिक रेडिकल के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुका है, तो अभी हम स्टडी करने वाले हैं बेसिक रेडिकल्स के लिए। तो बेसिक रेडिकल में सबसे पहले बेटा, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि बेसिक रेडिकल्स जो है ये किस तरीके से क्लासीफाई किए गए हैं। बेसिक रेडिकल्स जो है, जितने भी बेसिक रेडिकल है, ये सभी क्लासीफाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। आपको ये मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स बताऊंगी, वो आपको याद रखना है, क्योंकि वाइवा में आपसे पूछा जाता है कि भाई बेसिक रेडिकल किस बेसिस पे क्लासिफाई किए जाते हैं। तो हम कहेंगे कि ये बेसिक रेडिकल्स जो भी है ये क्लासिफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। क्लास 11th में चैप्टर इक्विलिब्रियम में आप ये पढ़ चुके हो, अभी मैं इसको डिटेल में यहां नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। और उसके बाद में एक जो दूसरा रो जो होता है जिसमें ये बेसिक रेडिकल्स सभी डिसाइड होते हैं, वो होते हैं सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको हम केएसपी वैल्यू भी कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ केएसपी वैल्यू, राइट। और ऑन द बेसिस ऑफ केएसपी वैल्यू हम कहते हैं इन सबको क्लासिफाई किया जाता है। तो ये हुआ आपका वाइवा क्वेश्चन। अब देखो, बेसिक रेडिकल्स में हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये सभी बेसिक रेडिकल को हम जनरली कहते हैं 0+6 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। 0+6 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अब देखिए, 0 ग्रुप में हम कोई भी रिएजेंट्स यूज नहीं करते। अब मैं जैसे जैसे आपको समझाती जाऊंगी और साथ में उनके ग्रुप रिएजेंट्स भी आपको बताते चलूंगी, आप उसी तरीके से उसको याद रखिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, ताकि आप इन सभी चीजों को नोट डाउन करके रख सके और आप अपनी एग्जाम की अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। अब देखिए, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं 0 ग्रुप से। अब 0 ग्रुप में जो रेडिकल जो होता है हमारे पास में, तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, सॉल्ट लेंगे। और सॉल्ट लेने के बाद में उसमें आप ऐड करेंगे NaOH। कोई डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड NaOH नहीं होता है, लेबोरेटरी में जो रखा होगा वही NaOH आप यूज करेंगे। अब क्या करना है आपको, सॉल्ट प्लस NaOH करने के बाद में आप उसको शेक करेंगे, ठीक है। और NaOH ही है, इसीलिए आप टेस्ट ट्यूब के ऊपर थंब रख सकते हैं और इसको आप शेक करेंगे। शेक करने के बाद में आपको इसमें से अमोनिया लाइक स्मेल आएगी। कौन सी स्मेल आएगी, अमोनिया लाइक स्मेल, ठीक है, अमोनिया की स्मेल आएगी। और अगर अमोनिया की स्मेल आ गई है तो हमारे पास में जो रेडिकल जो प्रेजेंट होता है हमारे पास में, वो होता है हमारा, यहाँ पर मैं हम लिख लेते हैं, वो होता है हमारा NH4+, ठीक है। तो ये अमोनियम आयन हमारे प्रेजेंट होते हैं, तो ये होता है हमारा इसका इंडिकेटरी टेस्ट। अब देखो, इसी का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या कहता है। कंफर्मेटरी टेस्ट ये कहता है कि इसी सॉल्यूशन में, ये जो अबव सॉल्यूशन दिया है, इसी में आपको क्या ऐड करना है, ऐड नेस्लर्स रिएजेंट। ऐड नेस्लर्स रिएजेंट, नेस्लर्स रिएजेंट जो है, नेस्लर्स रिएजेंट ये आपको ऐड करना है। और नेस्लर्स रिएजेंट ऐड करने के बाद में आपको वहां पर ब्राउन पीपीटी मिलेगा। और अगर ब्राउन पीपीटी मिल जाता है, मतलब NH4 पॉजिटिव आयंस कंफर्म्ड हो जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हम 0 ग्रुप को याद रख सकते हैं। तो हम आप साथ साथ में मेमोराइज भी कर लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो हमने क्या किया, सॉल्ट लिया, NaOH लिया, शेक किया, उसमें ऐड किया नेस्लर्स रिएजेंट, हमें ब्राउन पीपीटी मिल गया। अब देखो, ये नेस्लर्स रिएजेंट जो है, या फिर इन सभी के लिए आपको क्या करना है बेटा, इन सबको थोड़ा सा, मेरा अगर पहले भी अगर आप वीडियो देखोगे तो मैंने इसमें जो है आपको सभी में नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है क्या नहीं होता है ये सभी चीजें आपको समझाई हुई है, ठीक है। हम इसकी स्पेलिंग जो है नेस्लर्स ई है ये, है ना। चलिए, अब ये 0 ग्रुप हो गया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, और वो ग्रुप जो है हमारा फर्स्ट ग्रुप है ना। फर्स्ट ग्रुप जो हम देखते हैं, फर्स्ट ग्रुप, अब फर्स्ट ग्रुप में जो रेडिकल जो प्रेजेंट होता है वो होता है Pb2+। Pb2+ ये रेडिकल जो है, ये लेड के सॉल्ट वाटर सोल्यूबल होते हैं और इसीलिए हमें फर्स्ट ग्रुप में मिलते हैं, ठीक है। जो लेड के सॉल्ट वाटर सोल्यूबल नहीं होते वो आपको फर्स्ट ग्रुप में नहीं मिलेंगे। तो आपको इसके लिए कैसे करना है, अब यहां से क्या होता है ना कि हम ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना शुरू करते हैं। OS या फिर ओरिजिनल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। आप सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बना के रख लीजिए। अब हमें करना क्या है, देखना, एक थोड़े से
से क्वांटिटी में OS लेना है, इसमें हम ऐड करेंगे डाइल्यूट HCl। जैसे ही आप डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं आपको यहाँ पे व्हाइट पीपीटी मिलेगा, ठीक है, व्हाइट पीपीटी मिलेगा और उस व्हाइट पीपीटी का नाम जो होगा वो होगा लेड क्लोराइड, दैट इज PbCl2। तो यहाँ पर लेड क्लोराइड का व्हाइट पीपीटी मिलेगा। अगर लेड क्लोराइड का व्हाइट पीपीटी मिल जाता है तो हम कहते हैं कि भाई फर्स्ट ग्रुप हमारा प्रेजेंट है, और उसमें आयन कौन सा प्रेजेंट रहेगा, हमारा आयन जो प्रेजेंट रहेगा वो होगा Pb+2। Pb+2 आयन हमारे पास में हो सकता है। अब इसका कंफर्मेटरी टेस्ट हम कैसे करेंगे? कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए, देखो कंफर्मेटरी टेस्ट जो है मैं सभी ग्रीन से लिख रही हूं, कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, इस पीपीटी को फिल्टर कर लेंगे। क्या करेंगे हम, पीपीटी को फिल्टर कर लेंगे और उसके बाद में पीपीटी लेंगे, और इस पीपीटी में देखो एक होता है आप इसमें पहले पानी मिलाकर उसको बॉइल करके उसको हम कर सकते हैं, जैसे पीपीटी लिया हमने, अब इस पीपीटी में हम वाटर को ऐड करेंगे, वाटर ऐड करने के बाद में हम उसको बॉइल करेंगे ताकि वो क्या होता है पीपीटी डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद में ये बॉइल्ड को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। जब आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में हम ऐड करेंगे KI सॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरे पार्ट में हम ऐड करते हैं पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन। पोटेशियम क्रोमेट मतलब होता है K2CrO4। अब ये दोनों सिचुएशन में हमें येलो पीपीटी मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है हमें, येलो पीपीटी, और यहां पर भी हमें मिलता है येलो पीपीटी। अगर आपने ये परफॉर्म कर चुके हैं तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है, आपने परफॉर्म जरूर किया होगा तो ये आपको थोड़ा सा समझने में भी आसानी होगी। तो अब देखो यहां पर हमने कहा कि भाई हमें यहाँ पे येलो पीपीटी दोनों इसमें मिल जाता है और यही इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, ठीक है। ये पीपीटी जो रहेगा वो लेड आयोडाइड का रहेगा, ये पीपीटी जो रहेगा वो होगा लेड क्रोमेट का। तो हमने यहाँ पे ग्रुप वन देख लिया है, ग्रुप वन में हमारा जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो डायल्यूट HCl होता है, और हमें जो है अगर हमारा व्हाइट पीपीटी आ जाता है तो ही आपको कंफर्मेटरी टेस्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अब आते हैं हम हमारे सेकंड ग्रुप की तरफ। अब देखो सेकंड ग्रुप में दो रेडिकल्स होते हैं, पहला रेडिकल्स जो होता है Pb2+ होता है और दूसरा जो होता है Cu2+ होता है। अब देखो अब हमने यहां पर लेड जो है वो यहां पर भी देखा है, देखो आप यहां पर देख सकते हो यहां पर भी लेड है और यहां पर भी लेड है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर हमें यहां पे वाटर सोल्यूबल लेड है तो इसी में मिलेगा, और ये जो रहता है ये इनसोल्यूबल इन वाटर, और हमारे ये इनसोल्यूबल इन वाटर होता है, ठीक है, और हमारे सिलेबस में तो ये तो है ही नहीं, मतलब आपको सेकेंड ग्रुप का लेड कभी भी नहीं मिल सकता। अब कॉपर के साथ में क्या होता है ना, कॉपर जो है जनरली एग्जाम में नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि इसमें इसका जो कलर जो होता है ये ब्लू इन कलर होता है, इसका सॉल्ट जो होता है सॉल्ट जो है वो ब्लू इन कलर होता है। तो अब देखो ब्लू कलर देख के ही हम समझ जाएंगे कि भाई ये तो कौन सा है, कॉपर है, इसीलिए जनरली इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। अब अगर फिर भी अगर हमें करना है ना, अगर हमें फिर भी करना है तो हम कैसे किस तरीके से कर सकते हैं इसको, हम क्या करते हैं, जैसे अगर देखो मैं कंफर्मेटरी टेस्ट बता देती हूँ, वैसे मैंने जैसे बताया आपको कि ये जनरली नहीं पूछा जाता है ना, फिर भी मैं आपको कंफर्मेटरी टेस्ट बता देती हूँ। इसमें क्या करना है, आपको ओरिजिनल सोल्यूशन बनाना है। इस ओरिजिनल सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, NH4OH ऐड करेंगे, क्या करेंगे, NH4OH ऐड करेंगे। जब आप NH4OH ऐड करते हैं एक्सेस में तो ये जो ब्लू कलर जो होता है वो और भी ज्यादा डार्क हो जाता है, मतलब डीप ब्लू कलर आपको मिलता है, और यही इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। कुछ और भी कंफर्मेटरी टेस्ट है बट आपके लिए मैं थोड़ा सा इजी कर रही हूं, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, सेकंड ग्रुप में दो रेडिकल होते हैं और जिसमें से कॉपर का जो सॉल्ट होता है ये ब्लू इन कलर होता है। लेड तो आपको मिल नहीं सकता क्योंकि CBSE के सिलेबस में इनसोल्यूबल सॉल्ट जो है ये इंक्लूड नहीं किए गए हैं। अब आते हैं हमारे थर्ड ग्रुप की तरफ। थर्ड ग्रुप में हमारे पास में कौन कौन से रेडिकल हैं? सबसे पहला रेडिकल जो है वो एल्यूमिनियम Al+3 है और सेकंड जो रेडिकल होता है Fe+3 है, ठीक है। अब बेटा यहां पर ध्यान से समझना कि एल्यूमिनियम, और हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम की और आयरन की, तो एल्यूमिनियम के सॉल्ट तो सभी व्हाइट इन कलर होते हैं बट आयरन के सॉल्ट जो होते हैं ये डार्क
हम कहेंगे डार्क ब्राउन इन कलर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? डार्क ब्राउन इन कलर। अब आपको इसको करना कैसे है, देखो ये जैसे मैंने बताया कि ये क्या होते हैं, डार्क रेड या फिर डार्क ब्राउन भी हम कह सकते हैं। तो ये अगेन आपको कलर देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि कलर्ड सॉल्ट जनरली नहीं देते हैं। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। अब देखो एल्यूमिनियम की अब हम किस तरीके से परफॉर्म करके देखते हैं, देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है। इस ओरिजिनल सॉल्यूशन में आप सबसे पहले ऐड करेंगे NH4Cl, उसी के साथ में ऐड करेंगे NH4OH, ठीक है। आपने दो चीजें ऐड कर दी, NH4Cl ऐड कर दिया, साथ में NH4OH भी ऐड कर दिया। अब यहां पर आपको दो चांसेस होते हैं, या तो आपको एक व्हाइट जेलेटिनियस पीपीटी हम कहते हैं इसको। जेलेटिनियस पीपीटी मतलब होता है क्लाउडी अपीयरेंस जो होता है ना, जेलेटिनियस पीपीटी। अगर ये होता है ना, जेलेटिनियस पीपीटी होता है, तो जो रेडिकल प्रेजेंट रहेगा वो Al+3 रहेगा। और अगर आपका पीपीटी ब्राउन कलर का मिल जाता है ना, कौन सा ब्राउन पीपीटी अगर मिल जाता है, तो आपके पास में रेडिकल जो होगा वो होगा Fe+3। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, वो तो सॉल्ट देखकर ही समझ में आ जाएगा, तो कलर सॉल्ट नहीं मिलेगा। अब देखिए हम कंफर्मिटी टेस्ट देखते हैं एल्यूमिनियम के, क्योंकि एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा चांसेस होता है। अभी जो व्हाइट जेलेटिनियस पीपीटी जो मिल रहा है, ये होता है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। याद रखना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी हमें मिलता है। इसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट जो होता है, जिसको हम कहते हैं ब्लू लेक टेस्ट, है ना, इसका नाम ही ब्लू लेक टेस्ट होता है। अब इसमें हम करते क्या है, देखो आप सबसे पहले क्या करेंगे ब्लू लेक टेस्ट में, जो है ध्यान से समझना है। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर पीपीटी मिला है तो आप ये व्हाइट पीपीटी लेंगे, और व्हाइट पीपीटी हम हमेशा कैसे लेते हैं, फिल्टर करके ले लेते हैं ना। व्हाइट पीपीटी लेंगे, उस व्हाइट पीपीटी में हम ऐड करेंगे डाइल्यूट HCl, ठीक है। डाइल्यूट HCl ऐड किया, डाइल्यूट HCl ऐड करने के बाद में हम कुछ ड्रॉप्स जो है ब्लू लिटमस सोल्यूशन ऐड करेंगे। हमने क्या किया, डाइल्यूट HCl ऐड किया, ब्लू लिटमस सोल्यूशन ऐड किया है, और फिर ब्लू लिटमस सोल्यूशन ऐड करने के बाद में हम इसमें ऐड करते हैं NH4OH इन एक्सेस, ठीक है। इन एक्सेस में हम इसको ऐड कर देते हैं, तो हमें यहां पर जो मिलता है वो ब्लू पीपीटी मिलता है। क्या मिलता है हमें, ब्लू पीपीटी। और यही ब्लू पीपीटी कंफर्म करता है Al3+ आयंस को, Al3+ आयंस को ये ब्लू पीपीटी कंफर्म कर देता है। अगर आप एक्सटर्नल से अगर इतना भी बताएंगे तो आपके एक्सटर्नल खुश हो जाएंगे कि चलो भाई इस बच्चे कुछ तो पढ़कर आया है, ठीक है। तो ग्रुप 3 के रिएजेंट्स जो है वो है NH4Cl एंड NH4OH, और यहां पर जो हम रेडिकल्स कौन कौन से देखते हैं, Al+3 और Fe+3, जिसमें से हम Al+3 ही एग्जाम में आता है। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ ग्रुप की तरफ, फोर्थ ग्रुप। अब फोर्थ ग्रुप में देखो कौन कौन से रेडिकल्स होते हैं, वो मैं आपको समझा देती हूँ। फोर्थ ग्रुप में मैं थोड़ा सा इसको जो है हम अपसाइड कर लेते ताकि हमें समझाने में थोड़ा सा इजी हो जाए। फोर्थ ग्रुप में देखिए, फोर्थ ग्रुप में जो हमारे पास में रेडिकल्स होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले तो हम कहेंगे जिंक Zn2+, उसी के साथ में हमारे पास में होते हैं Ni2+, Cobalt2+, और एक होता है Mn2+। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन सॉल्ट्स के आपस में जो है, जिंक का सॉल्ट हमेशा से व्हाइट इन कलर होता है, जो निकल का सॉल्ट होता है, निकल का सॉल्ट हमेशा ही आपको ग्रीन कलर का दिखेगा, ग्रीन कलर। कोबाल्ट का सॉल्ट जो है पर्पल कलर का दिखेगा, और मैंगनीज का सॉल्ट जो होता है ये पिंक कलर का दिखता है, पिंक, जैसे फ्लेशी पिंक जो होता है उस तरीके से। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कलर्ड सॉल्ट अगर आ जाते हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ईजी हो जाता है कि भाई ये सॉल्ट होगा, बट अगर व्हाइट सॉल्ट है तो हमें कंफर्मेटरी करना पड़ता है, और एग्जाम में व्हाइट सॉल्ट ही मिलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको परफॉर्म किस तरीके से करना है ना। कैसे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे। ओरिजिनल सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे NH4Cl, और साथ में ही हम ऐड करेंगे NH4OH जो हमने प्रीवियस में किया था, बट यहां पर हमें पीपीटी नहीं मिलेगा, और फिर हम इसमें पास करेंगे H2S गैस,
ठीक है, H2S गैस पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ किप्स एपरेटस। ठीक है, आपके लेबोरेटरी में किप्स एपरेटस रखा होगा, उसके बेसिस पे आप H2S गैस पास कर लीजिए। अब देखो, जब हमने ये कर लिया है ना, हमने H2S गैस पास कर ली, ये सब हो गया, इसके बाद में वहां पर क्या होता है, हमें इनमें से ये सब प्रोसीजर हो जाती है, तब वहां पर हमें थ्री टाइप के पीपीटीज मिलने के चांसेस होते हैं, है ना। थ्री टाइप्स की पीपीटी मतलब क्या, सबसे पहले तो एक होते होगा डल व्हाइट पीपीटी मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, डल व्हाइट मतलब चॉक पाउडर जैसा पीपीटी मिल सकता है, डल व्हाइट पीपीटी मिलता है, या फिर आपको मिल सकता है ब्लैक पीपीटी, या फिर आपको मिल सकता है पिंक पीपीटी। ठीक है, अब देखो, अगर ब्लैक पीपीटी मिल गया है, ब्लैक पीपीटी मिला है मतलब या तो निकल होगा या फिर कोबाल्ट होगा, ठीक है, और फिर आप उस सॉल्ट का कलर देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो। पिंक अगर हुआ तो Mn2+ होगा, बट ये दोनों मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। आपको एग्जाम में जो मिलने वाला है वो रहेगा डल व्हाइट, दैट इज जिंक, जिंक। अदरवाइज आपका एग्जाम होने के बाद में आप यहाँ पर कमेंट जरूर करना कि मैंने जो बोला था वो आया है या नहीं आया है। तो डल व्हाइट पीपीटी हमें मिल जाता है और वो होता है जिंक का। अब इसका कंफर्मेटरी टेस्ट किस तरीके से करना है, मैं सबसे इजी वाला कंफर्मेटरी टेस्ट आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, आप सबसे पहले तो इसमें क्या करेंगे, यहां पे इसका फिर से ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लेंगे, ओरिजिनल, ये जो अगर जिंक मिलता है, जिंक का कंफर्मेटरी हम देख रहे हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन बना के उसमें ड्रॉप वाइज, हम क्या कहेंगे, ड्रॉप वाइज NaOH ऐड कर देना, NaOH। तो यहां पे आपको व्हाइट पीपीटी मिल जाता है, क्या मिलता है, व्हाइट पीपीटी। और ये व्हाइट पीपीटी किसका कंफर्मेशन देता है, ये व्हाइट पीपीटी आपको देगा Zn2+ का कंफर्मेशन। ठीक है, कंफर्म्ड हो जाता है Zn2+। तो फोर्थ ग्रुप में चाहे जितने भी रेडिकल्स क्यों ना हो, जैसे कि जिंक है, निकल है, कोबाल्ट है, मैंगनीज है, बट एग्जाम में कौन सा मिलने वाला है हमें, हमें एग्जाम में सिर्फ जिंक मिलेगा, ये सब हमें नहीं मिल सकते क्योंकि इनके सॉल्ट कलर होते हैं। चलिए, अब हम लास्ट तक पहुंच चुके हैं और लास्ट में हम देखने वाले हैं फिफ्थ ग्रुप। अब देखो, फिफ्थ ग्रुप के जो रेडिकल्स होते हैं ये आपको सबसे ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं एग्जाम में, क्योंकि फिफ्थ ग्रुप के रेडिकल्स, सभी रेडिकल्स कैसे होते हैं, ये व्हाइट होते हैं, है ना, और एग्जाम में व्हाइट सॉल्ट ही आपको मिलने वाले हैं, ये आप लिख कर ले लीजिए, एग्जाम में आपको व्हाइट सॉल्ट ही मिलेंगे। अब देखो, इसमें कौन कौन से रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें जो रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं बेरियम, उसके बाद में स्ट्रॉन्शियम, और लास्ट में आता है कैल्शियम। स्टूडेंट्स, इन सभी रेडिकल्स को हम फ्लेम टेस्ट से, कौन से, फ्लेम टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, बेरियम का कलर जो होता है ये लाइट ग्रीन कलर आता है, स्ट्रॉन्शियम का जो होता है ये क्रिम्सन रेड आता है, क्रिम्सन रेड, और कैल्शियम का जो होता है ये होता है ब्रिक रेड, ब्रिक रेड। तो जो है हमारे फ्लेम टेस्ट से भी हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर हम इनका कंफर्मेटरी करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो, आपने पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लिया है, ठीक है, ओरिजिनल सॉल्यूशन हमने ले लिया, ओरिजिनल सॉल्यूशन। अब इस ओरिजिनल सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे NH4Cl और साथ में हम ऐड करेंगे NH4OH, और NH4OH ऐड करने के बाद में मैं यहां पर ऐड करूंगी NH4 whole twice CO3, मतलब ये होता है अमोनियम कार्बोनेट। और देखो, ग्रुप फिफ्थ का जो है, ग्रुप फिफ्थ का ग्रुप रिएजेंट अमोनियम कार्बोनेट ही होता है। जब आप ये कंप्लीटली कर लेंगे, तब आपको यहां पर व्हाइट पीपीटी मिलेगा, व्हाइट पीपीटी, और फिर इन व्हाइट पीपीटी में आपका इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो आप जैसे फ्लेम टेस्ट देख के फिर उसका कंफर्मेटरी कर सकते हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले कंफर्मेटरी टेस्ट बता देती हूं Ba2+ का। तो ये जो व्हाइट पीपीटी आपको मिला है, व्हाइट पीपीटी, इसमें आप क्या करेंगे, या फिर इन सभी व्हाइट पीपीटी में आप ऐड कर लीजिए एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड आपने ऐड किया, तो व्हाइट पीपीटी प्लस एसिटिक एसिड हमने पहले ही लिख लिया है यहाँ पे। इसमें, इस सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे पोटेशियम क्रोमेट, मतलब K2CrO4, और यहां आपको येलो पीपीटी मिलेगा। जैसे ही आपको येलो पीपीटी मिलता है मतलब बेरियम कंफर्म्ड हुआ है, आगे जाने की जरूरत नहीं है।
बट अगर आपको यहाँ पे येलो पीपीटी नहीं मिलता है तो फिर हम स्ट्रॉन्शियम के लिए करते हैं, और वैसे भी फ्लेम टेस्ट से आइडिया हो ही जाएगा। तो फिर आपने ये व्हाइट पीपीटी लिया क्योंकि आपने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया था, उसमें आपने एसिटिक एसिड ऑलरेडी डाल चुके हैं। फिर हम इसमें जनरली हम देखो स्ट्रॉन्शियम में क्या ऐड करते हैं, अमोनियम सल्फेट ऐड करते हैं। हम क्या ऐड करते हैं, अमोनियम सल्फेट। और अमोनियम सल्फेट ऐड करने के बाद में हमें यहाँ पर व्हाइट पीपीटी मिलता है, व्हाइट पीपीटी। और व्हाइट पीपीटी अगर मिल गया तो हमारे पास स्ट्रॉन्शियम प्रेजेंट होता है। फिर हम देखते हैं कैल्शियम के लिए, कैल्शियम जो है, कैल्शियम में क्या होता है हमारे पास में, हम सबसे पहले व्हाइट पीपीटी लेते हैं, हमने यहाँ पीपीटी नहीं लिखा, व्हाइट पीपीटी लेते हैं और इसी में हम ऑलरेडी ऐड कर ही चुके हैं CH3COOH। फिर हम ऐड करते हैं इसमें अमोनियम ऑक्सैलेट, ठीक है, अमोनियम ऑक्सैलेट ऐड करते हैं। अमोनियम ऑक्सैलेट ऐड करने के बाद में फिर भी हमें यहाँ पे क्या मिलता है, व्हाइट पीपीटी। सिर्फ इन को करते समय आपको ये याद रखना है कि अगर हम कैल्शियम का कर रहे हैं तो हमें बेरियम और स्ट्रॉन्शियम की नेगेटिव टेस्ट करना पड़ता है, स्ट्रॉन्शियम का कर रहे हैं तो हमें बेरियम का निगेटिव टेस्ट करना पड़ता है, और बेरियम का जब करते हैं तब हमें करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही करेंगे। तो ग्रुप फिफ्थ में जो रेडिकल होते हैं वो बेरियम, स्ट्रॉन्शियम और कैल्शियम, जो हम फ्लेम टेस्ट किसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने लगभग पूरे 5 ग्रुप स्टडी कर ले। लास्ट ग्रुप जो सबसे इजी होता है और वो है ग्रुप 6। ग्रुप 6 में हम देखते हैं सबसे इजी ग्रुप अगर हम देखा जाए तो ग्रुप 6 हुआ। ग्रुप 6 में हमारा जो रेडिकल एक ही प्रेजेंट होता है और वो होता है Mg2+। Mg2+ को आइडेंटिफाई करना सबसे इजी है। कैसे, देखो आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, इस ओरिजिनल सॉल्यूशन में आप ऐड करेंगे NH4Cl प्लस NH4OH, NH4OH, और साथ में ही आप इसमें ऐड करने वाले हैं अमोनियम फॉस्फेट। हम क्या ऐड करेंगे, अमोनियम फॉस्फेट। ये इसका कंफर्मेटरी और इंडिकेटरी दोनों टेस्ट होते हैं, और अमोनियम फॉस्फेट ऐड करने के बाद में आपको यहाँ पर व्हाइट पीपीटी मिलता है, व्हाइट पीपीटी। और व्हाइट पीपीटी हमें किसका प्रेजेंस दिखाता है, हमें Mg2+ का प्रेजेंस दिखाता है। तो इस तरीके से हम एक ही वीडियो में पूरे हमने बेसिक रेडिकल ध्यान से समझ लिए है। आई होप आप सभी को ये अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।